दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको मोटो जी को पुल डिसेंबल करने का वीडियो दिया था, अब मैं इसको फोल्डर को फ्रेम से बाहर कैसे निकालते हैं इजीली रियल तरीके से, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि देखो, ये टच सेपरेटर मशीन है, वैक्यूम LCD सेपरेटर मशीन। मैंने इसको 120 पे सेट कर रखा था और इसको मैंने पहले से ही हीट कर लिया है, क्योंकि हीटिंग की वीडियो में आपको दिखा था तो शायद बहुत टाइम लग जाता है और हो सकता है कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देख पाते, इसलिए मैंने इसको पूरा हीट रख लिया है। आप 80 से लेकर 120 तक, 110 तक आप इसको सेट कर सकते हो और इसको हीट कर सकते हो फ्रेम को, ठीक है। अब मैं आपको इसको फ्रेम से बाहर निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कुछ प्लास्टिक टूल्स के बारे में बताया था, आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको निकालने के लिए, ठीक है। या पेपर, हार्ड पेपर यूज़ कर सकते हो, या आप प्लास्टिक ऐसे कुछ कार्ड्स आते हैं मार्केट से खरीद के भी आप अपने आप से बना सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो। मैं फेलकोन यूज़ करता हूँ, फेलकोन 530 ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल की क्वालिटी होती है, ये ऐसा ईगल का निशान होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ये फ्रेम में, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक कस्टमर का गिरने के कारण से डैमेज हुआ था, ठीक है। तो अगर आप किसी का बिल्कुल ओके कंडीशन का अगर कभी भी सेट निकालते हैं, या उसका थोड़ा बहुत डैमेज है और चल रहा है, तो आप इसमें लेमिनेशन कर लें, और लेमिनेशन करने के बाद में इसको इजीली निकालें, तो क्या होगा, ये और ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्टील का आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो धीरे से सबसे पहले इस साइड कॉर्नर को पूरा कंप्लीटली ऐसे घुमा लें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा घुमा लें, जिससे क्या है, इसमें गैपिंग बन जाए, ठीक है। गैपिंग क्रिएट करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा गैपिंग बना लें। सबसे पहले किसी ब्लेड के माध्यम से या किसी थिन टूल्स के माध्यम से, ठीक है, गैपिंग बना लें। अब देखिए, बिल्कुल ही नॉर्मली इतना, ठीक है, इस टाइप से आपको इसको यूज़ करना है, जैसे डिस्प्ले ब्रेक ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका थोड़ा सा ग्लू क्या है, इसको दोबारा थोड़ा सा हल्का सा हीट करना पड़ेगा, ये ठंडा पड़ चुका है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा थोड़ा रख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इसको धीरे धीरे से इसकी गैपिंग को ऐसे क्रिएट करना है, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे हल्का सा। ये तो फोल्डर थोड़ा सा ब्रेक है, अगर ये डैमेज है वैसे भी, अगर टूटता है तो टूटेगा तो किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रिप है, तो इसको यहाँ से रिमूव करते वक्त बहुत ही सावधानी से इसको यहाँ से रिमूव करें, तो इस तरीके से आप इसको फ्रेम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। टूटा होने के कारण से ये दिक्कत दे रहा है। इसके बाद आप फेलकोन का यूज़ कर सकते हो, 530, ठीक है, जो कुछ ग्लू को इजीली रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो आप, ठीक है, रिमूव करती है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत ग्लू होती है उसको फेलकोन से, और ध्यान रखें दोस्तों, ग्लू को अगर कभी भी इसको आप यूज करते हो, इस फेलकोन को, इसको इस माध्यम से यूज करें। ये फेलकोन कभी कभी क्या होती है, डिस्प्ले के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले के अंदर आने से इसमें क्या है, वो दिखती है, तो उससे बहुत समस्या होती है अपने को, ठीक है। तो इजीली एंड ट्रिकली आप देख सकते हो कि ये फोल्डर कितना ही, कितने आराम से और कितनी आसानी से फ्रेम से बाहर निकल चुका है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसको फ्रेम से बाहर निकालना है। चाहे कोई भी फोल्डर हो, सबका थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल वो अलग अलग होता है, लेकिन निकलते सब ऐसे ही हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी अपने को। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
जब आप इसमें फोल्डर को सेट करें तो ये कॉर्नर, चारों कॉर्नर हमको बिल्कुल क्लीनली क्लीन करने होते हैं, बिल्कुल क्लीन करने होते हैं, ठीक है, सेट करने के लिए। तो इसको सेट करते वक्त करने की मैं आपको एक वीडियो दूंगा, ठीक है, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, ठीक है। इसकी भी एक मैं आपको अलग वीडियो दूंगा किस प्रकार से फोल्डर को मोबाइल में सेट किया जाता है, और एक प्रॉपर फोल्डर को जो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो और बिना ब्रेक करे उसको कैसे निकाला जाए, उसकी भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा कुछ ही समय बाद। तो मेरे वीडियो को चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना रियल टेक्नोलॉजी को, और ऐसे ही आप मेरे चैनल पर बने रहना, और आगे आने वाले समय में आपको इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, जय महाकाल।